बस मैं ना जा रहा था तो मैंने किसी की टेम्पररी नंबर देखा। हाँ 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 गाड़ी तो अच्छी लग रही है। क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया जी, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो। करण भाई, मैं पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा कि ये स्कॉर्पियो का कौन सा वेरिएंट है, कौन सा मॉडल है? ये है जी स्कॉर्पियो N का ZA10। ZA10 मतलब टॉप मॉडल, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। तो टॉप मॉडल ठीक है। तो आपको मैं तो पहले पूछना चाहूंगा, इस गाड़ी की डिलीवरी कितने टाइम बाद मिली? ये अच्छा सवाल है आपका। हाँ, मेरे को मिल गई थी, जल्दी मिल गई थी। अच्छा, 21 अक्टूबर को मैंने गाड़ी ले ली थी। और बुक कब कराई थी? बुक तो मैंने करवाई थी, पहले ही करवाई थी। कैमरा के बाद बताओ। ये बढ़िया था गुरु। आपको कितने की ऑन रोड पड़ी? मेरे को पड़ी थी 27,85,000 के अप्रोक्सीमेटली पड़ी थी मुझे। 27,85,000, क्योंकि अब तो इसका प्राइस काफी बढ़ गया है। हाँ, कुछ 30,000-40,000 बढ़ा है। हाँ, इतना बढ़ गया है। तो इसी गाड़ी पे क्यों स्विच हुए? क्योंकि कंपैरिजन में और भी बहुत गाड़ियाँ आती है इसके, मतलब मैं तो XUV700 ले रहा था। तो वो मैंने बुक तो वो करवा रखी थी, ठीक है, वो मुझे मिली नहीं। हाँ, तो बस फिर सीन ऐसा बना कि मैं आज गाड़ी लेनी है, तो बस फिर ये ले आया। अच्छा, तो गाड़ी जैसे 4x4 है, तो अभी तक आपने कभी प्रैक्टिकल इसका यूज किया 4x4 का? नहीं, मैं नहीं। तो जाना है अभी। अच्छा, जल्दी बनाएंगे, अभी तक यूज नहीं किया। मेरा मन है कि एक बार सैंड ड्यून्स में लेके जाऊं। अच्छा, टोटल वैसे कितने किलोमीटर ड्रिवन कर लिया आपने गाड़ी? 16,000। ओके ठीक है, तो अक्टूबर में, ठीक है, गाड़ी की ड्राइव सही है आपकी 16,000। तो एक आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो पता लग गया होगा, क्या इसमें पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है, वो हम अभी आपको शेयर करेंगे। पूरी वीडियो में बने रहे तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। कॉर्नर क्या फील करता है इस गाड़ी के बारे में 16,000 चला के। तो मैं पर्सनली करण भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि फ्रंट की लुक कैसी लगी इसकी? फ्रंट की लुक अच्छी है। फ्रंट की लुक किससे सिमिलर लगती है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ओपिनियन है आपका? सिमिलर किससे लगती है? हाँ, इतना नहीं सोचा मैंने। मैं पर्सनली अगर शेयर करूँ तो मुझे ना मर्सिडीज से सिमिलर कहीं ना कहीं ये लगती है। मर्सिडीज आपकी GLE जो आती है SUV में, उससे सिमिलर लगती है मुझे। और इसका रोड प्रेजेंस एक नंबर। रोड प्रेजेंस आपको कैसा लगा? काफी अच्छा रोड, काफी अच्छा है ना? क्योंकि लोग आपने भी सोचा होगा एक बार फॉर्च्यूनर लेने को, जब ये गाड़ी लेने गए थे। अच्छा, एक और? हाँ, एक और। बट इसको अगर आप ये वाली गाड़ी बाय करते हो ना, तो फॉर्च्यूनर की कहीं ना कहीं फील आ जाती है, आप मानते हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल आती है, क्योंकि बल्कि फॉर्च्यूनर से बेटर लगती है वैल्यू फॉर मनी। हाँ, क्योंकि गाड़ी का स्टैंस बहुत अच्छा है। एक जो मुझे इसका एक नेगेटिव पॉइंट बस है कि बूट स्पेस नहीं है, फॉर्च्यूनर का बूट स्पेस अच्छा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो काफ़ी उसमें हेल्प मिलती है आपको, राइट। तो गाड़ी का फ्रंट लुक तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लगता है। इवन अगर आप साइड लुक में आ जाएं, साइड लुक आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा, मतलब हाइट बहुत अच्छी है फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में, हाइट अच्छी है और थोड़ा बॉक्सी स्टाइल है उसका, थोड़ा बॉक्सी स्टाइल नहीं है फॉर्च्यूनर का, देखा जाए तो थोड़ा उसका अलग है, बिल्कुल एलिगेंट स्टाइल, बहुत ग्रैंड है। हाँ, तो इसका थोड़ा बॉक्सी है। तो आपको इस गाड़ी में, मैं अगर साइड से देखूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब हाई स्पीड में चलती होगी ये गाड़ी तो बॉडी रोल फील होता है कहीं आपको? मुझे नहीं हुआ। नहीं हुआ? मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि होता, पर मुझे कभी भी नहीं हुआ। और मैक्सिमम आपने कितनी ड्राइव करी है गाड़ी? स्पीड मैं गया हूँ 150-160 तक, इससे ज़्यादा जाता ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो अभी तक आपने 160 तक करी है। वैसे कैपेबिलिटी आपको लगता है कि और आगे जा सकती है? मेरे को रिस्क लगता है उससे ऊपर तो। अच्छा, उससे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता? ओके ओके, तो गाड़ी तो बहुत, मतलब गाड़ी का बॉडी रोल कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, राइट? नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो गाड़ी देखने में तो लगता है कि मतलब अगर आप कटिंग करोगे तो बॉडी रोल आएगा, बट एज अ ऑनर 16,000 उन्होंने ड्राइव कर लिया तो मतलब बॉडी रोल उनको अभी तक फील नहीं हुआ। तो एक बार बैक लुक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बैक लुक के बारे में ना इसका बहुत ही ज़्यादा मिक्स ओपिनियन है। कोई कहता है वैगनार, कोई कहता है वॉल्वो,
तो बहुत ही ज्यादा मिक्स ओपिनियन है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? ये स्कॉर्पियन की है, लुक है वो, इसको वॉल्वो से मिला रहे हो आप। अच्छा, मुझे कहीं ना सच बताऊं, इसकी टेल लाइट जो है ना वो वॉल्वो से सिमिलर लगती है बिल्कुल, उसका एकदम एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली मुझे वहां से सिमिलर लगती है। लोग वैगनार से कंपेयर पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडियन के माइंड्स में ना वैगनार चढ़ी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में फील आता है कि यार वैगनार वाली लाइट है। वैगनार वाली लाइट भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ इंजन थोड़ी ना वैगनार का। सही बात है बिल्कुल सही बात है। गाड़ी का रोड प्रेजेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, रोड प्रेजेंस के मामले में गाड़ी एक नंबर है। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी तक आप इसको मैक्सिमम कहाँ तक लेके गए हो, कितना दूर? मैं जयपुर गया हूँ मैक्सिमम। अच्छा, देहरादून गया हूँ। अच्छा, चंडीगढ़ तो जाता रहता हूँ। हाईवे की स्टेबिलिटी कैसी है गाड़ी की हाईवे पे जब चलती है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, तो एक बार अंदर आ जाओ आप ड्राइविंग सीट पे। यहाँ भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है दोनों साइड, ड्राइवर साइड भी एंड यहाँ पे भी। ये गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है कहीं ना कहीं, आप देखो तो देख सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ इसके, अभी बैठते ही सबसे सामने दिखता है आपका स्टीरियो, तो इसका टच का रिस्पांस कैसा है? टच का रिस्पांस अच्छा है। अच्छा, डिले कहीं लैग कुछ ऐसा लगता है? हाँ, हल्का है। हल्का है, हाँ, कभी कभार हो जाता है। अच्छा। कभी बार ऐसा भी होता है कि मैं गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया हूँ, हाँ हाँ, बट 10 मिनट हो गया मेरा। अच्छा। सिस्टम ही ऑन नहीं हुआ है। ओके, बिल्कुल हैंग पड़ रहा है। अच्छा, ऐसा भी हुआ है इसमें? एक दो बार हुआ है। अच्छा, तो आप और कौन कौन सी गाड़ी ऑन करते हो अभी? मेरे पास XUV700 है अभी। अच्छा, Kia Seltos है। ओके, तो उनमें कहीं आपको लैग फील होता है? हाँ, वो सब में ही होता है। सब में ही होता है। XUV700 में नहीं हुआ अभी। अच्छा, तक टच हुआ। अच्छा, Kia में हुआ है। Kia में हुआ। Kia में भी एक दो बार हुआ है। ओके, मतलब हाँ, एक साल में एक दो बार तो हो ही जाता है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि चलो हो ही जाता होगा हर ब्रांड में। अच्छा, बाकी अगर मैं इसकी बात करूं इंटीरियर के बारे में, क्योंकि इंटीरियर इसका सॉफ्ट टच में भी दे रखा है, हार्ड टच में भी हार्ड प्लास्टिक दे रखा है, तो इंटीरियर का कैसा आपका मतलब फील, आपको कैसा लगता है? अच्छी फील है, ऐसी गाड़ी थोड़ी ना रग्ड बनाई है, उस हिसाब से इंटीरियर अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मुझे पर्सनली ना ये जो इंटीरियर है ना इसका काफी हाई क्लास लगता है, क्योंकि सॉफ्ट टच भी दे रखा है एंड हार्ड टच भी दे रखा है, तो वो मतलब जो प्रीमियम बड़ी बड़ी गाड़ियों में फील आती है ना, वो इसमें अंदर बैठ के फील आती है। और आपको अगर पुरानी वाली स्कॉर्पियो पे स्विच होना होता तो वो कैसा लगता? मैंने कभी ना वो चलाई ना वो देखी कभी, मतलब बाहर से तो चलो रोड पे देखी है। आपको लगता है कि पुरानी वाली स्कॉर्पियो से ये नई वाली स्कॉर्पियो में बहुत ज्यादा चेंज कर दिया? वैसे मैंने देखा इंटीरियर तो हाँ, बहुत फर्क है इंटीरियर एक्सटीरियर टोटली, और कैबिन नॉइज हर एक चीज, इंजन नॉइज, कोई नॉइज है बिल्कुल नहीं हो रही है। बिल्कुल, गाड़ी स्टार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी पूरी स्टार्ट है और अंदर बिल्कुल नॉइज है ही नहीं। और ये डीजल गाड़ी है, डीजल गाड़ी महिंद्रा पूरी ना, वो उनका कंपैरिजन कर रही है मर्सिडीज लग्जरी वगैरह, लग्जरी बिल्कुल। अभी तो गाड़ी और अपकमिंग कार्स है ना वो देखने वाली है जी। बिल्कुल, गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। इसके साउंड सिस्टम जो है बहुत अच्छा, वो कैसा है? बहुत अच्छा है। तो गाड़ी का मतलब कितने स्पीकर्स हैं? 12 स्पीकर्स हैं इसमें। 12 स्पीकर्स, और आई थिंक ये छोटा सा सबवूफर यहाँ पे भी लगा हुआ है सोनी का, और यहाँ पे भी ये स्पीकर दे रखे हैं ऊपर भी, ये साइड में भी हैं, साइड में भी है, डोर पे भी है, फिर पीछे और बैक, राइट बैक में भी है। तो आपको लगता है कि बाहर से लगवाने की जरूरत है इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करवाया वो इसके ऊपर काम, बाहर से जैसी स्टॉक आई थी वैसी स्टॉक आई थी कंपनी से, वैसी की वैसी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, सारे फीचर्स मिल जाते हैं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज की। अच्छा, चलो बढ़िया, ये चीज बहुत अच्छी है। प्लस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे ये इसका 4x4 है करेक्ट? हाँ जी। तो ये कभी आपने अभी तक यूज किया है? हाँ, परसों मैंने किया था, रस्ते में ना काफी मड था, तो मैं कहा चलो एक बार देख लेते, था तो 200 मीटर का स्ट्रेच ही था, हाँ, तो मैं कहा चलो एक्सपीरियंस तो लेते चलते 200 मीटर, हाँ, तो ठीक था, अच्छा अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब आपने हार्डकोर अभी यूज नहीं किया? हार्डकोर नहीं करा, अभी उसके लिए प्लान करा हुआ है। ओके, तो देखो अभी नेक्स्ट मंथ शायद चला जाऊंगा। ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभी, जैसे गाड़ी में अभी इंटीरियर में आपको क्या क्या पॉजिटिव लगता है? इंटीरियर में क्या क्या पॉजिटिव लगता है? हाँ, जो आपको लगता है हाँ कि यार गाड़ी लेना सेटिस्फाइड है जब आप गाड़ी में बैठते हो, कुछ ऐसी चीज इसमें? एक चीज मुझे जो स्पीडोमीटर की पसंद आती है। क्या? कि जैसे अब मैं इसको यहाँ से प्रेस करके रखता हूँ ना, तो ये ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, साइड वाले डायल्स ऑफ हो जाते हैं उनकी लाइट,
और डिजिटल ऑन रहता है। हाँ तो जब ये रात को ना, फिर रात को काफी स्पोर्टी लुक आती है ड्राइव करते हुए। अच्छा, ये फीचर शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा, तो ये आपने बहुत अच्छा फीचर होता है। बाकी और कोई अंदर मतलब इंटीरियर में आपको और गाड़ियां जैसे तो आपके पास है मतलब तो उससे कंपैरिजन करें? कंफर्टेबल बहुत है, लाइक अब इससे 12 मैं कभी बार ऐसा भी होता है कि मेरे को चंडीगढ़ जा रहा हूँ, चंडीगढ़ से फिर फरीदाबाद जा रहा हूँ, तो पूरा दिन ना मेरी 12-14 घंटे की ड्राइव हो जाती है, पर मैं थकता नहीं उस गाड़ी में। अच्छा, मतलब कंफर्ट एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ओके, अगर हम कंपैरिजन करें XUV 700 और आपकी किया सेल्टोस से, तो कंफर्ट है? कंफर्ट है उनसे ज्यादा है। हाँ। अच्छा, तो ये काफी अच्छी चीज लगी, क्योंकि एक स्कॉर्पियो में जब बंदा लेना जाता था ना पहले, तो ये चीज उसको दिमाग में नहीं आती थी यार कि कंफर्ट भी होगा इस गाड़ी में। सस्पेंशन इतना अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा सस्पेंशन है, इतने खड्डे तो पता ही नहीं लगते, फील ही नहीं होते। अच्छा, तो मैंने ये ना बहुत सुना है कि मतलब XUV 700 में काफी सुना है कि सस्पेंशन नॉइज काफी आती है, आप गड्ढों में लेके जाओ बहुत ज्यादा सस्पेंशन नॉइज आती है, तो वो आपको इसमें कभी फील होती है? कभी भी नहीं, मतलब इसका मक्खन की तरह निकलती खड्डों से, मजा आता है। अच्छा, वही लगता है पैसा वसूल है। अच्छा। चलो ये तो होगी आगे बात, बाकी अब आती है मेन, इंडियंस को जो बहुत ज्यादा पसंद है सनरूफ, आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है? मतलब ठीक है, ज्यादा यूज तो होती भी नहीं है जी सनरूफ। राइट राइट, नहीं मुझे पता क्या लगता है पर्सनली, है तो बड़ी इनफ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, काफी बड़ी दे रखी है, बट पता है क्या, इन्होंने ये जो सनरूफ दे दिया ना काफी आगे को दे दिया है, क्योंकि ड्राइवर और को ड्राइवर ना निकल नहीं पाएगा क्योंकि स्पेस नहीं है खड़े होने की। राइट, और अगर हल्की सी थोड़ा पीछे दे देते तो पीछे वाला आदमी आराम से निकल जाता, अब पीछे जो होगा ना वो निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा और निकलते भी तो पीछे वाले ही हैं। राइट, हल्का सा इसको बीच में दे देना चाहिए तो ज्यादा प्रैक्टिकल होती, तो महिंद्रा इस चीज पे सोच सकता था। तो बाकी आपको सेकंड रो का स्पेस कैसा लगा? सेकंड रो स्पेस बहुत अच्छा है, पीछे अच्छा। बहुत कंफर्टेबल है, पीछे में बैठता बहुत कम हूं, एक दो राइड्स में ही बैठा हूं मैं पीछे। हां, बट लेग स्पेस कैसा है? बहुत कंफर्टेबल रहता पीछे भी। आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'11" 5'11" तो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा स्पेस है, इवन 6 feet का आदमी भी आराम से बैठ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा उसकी लेग एंड हेड रूम में, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है पीछे। बाकी थर्ड रो की कैसी स्पेस लगी? उसकी तो बात ही ना करो। बच्चों के लिए तो ठीक है, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए अगर 5-6 साल के बच्चे हैं आराम से, 7-8 साल के भी। ओके ओके, तो एक बार डिक्की का स्पेस दिखाते हैं इसकी, डिक्की फाइनली जिसकी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में। ये डिक्की का, तो सीट इसकी फोल्ड हो जाती है ना? हाँ, सीट फोल्ड हो जाती है। अच्छा, और ये ऐसे और फोल्ड हो जाती है। अच्छा, ये पूरी स्पेस बनी है इसकी? ये बनी, फिर ये 5-seater ही हो जाती है ना। ओके ओके, जब हाँ, करने पर राइट राइट राइट। फॉर्च्यूनर में क्या है कि एक लेफ्ट में हो जाती है, एक राइट में हो जाती है, फिर भी स्पेस काफी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ऑप्शन इनको देना चाहिए, पता है इनके वेरिएंट्स में वो वाला लेफ्ट राइट वाला, उसमें ज्यादा स्पेस आपका होता है, इसमें क्योंकि सीट ही आपकी ऑक्यूपाइड कर रही है स्पेस। बिल्कुल, तो वो एक डीमेरिट है इसका। ये भी तो है ना कि चलो एक एक पैसेंजर को बिठाना है तो एक को बिठा लिया, एक पे फोल्ड करके। हाँ, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वो चीज एक अच्छा ऑप्शन है, या तो फिर या तो दोनों ही फोल्ड होनी ही होनी है। हाँ हाँ, तो ये चीज अच्छी है। तो अब बात करते हैं, आपको पर्सनली इस गाड़ी में नेगेटिव क्या लगा? बात तो होगी सारी चीज़ों की, नेगेटिव अभी तक क्या क्या लगा आपको? नेगेटिव तो जी बस एक बूट स्पेस का ही है पॉइंट। ठीक है, दूसरा शायद इसका टायर साइज महिंद्रा और अच्छा, टायर साइज थोड़ा और बेटर देती तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा अच्छा, ठीक है, और कुछ नेगेटिव इसमें अभी? मुझे नहीं लगा जी कुछ नेगेटिव, और कुछ नहीं। बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा, कंपनी से अभी तक कोई शिकायत आपको? नहीं, कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी है। सर्विस सेंटर पे आप जाते होगे तो इसकी अभी तक आई थिंक 2 सर्विस हुई होगी। हाँ, 2 सर्विस है ना, तो इसमें 2 सर्विस में आपको रिस्पांस कैसा मिला महिंद्रा वालों का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आई, कंपनी गाड़ी से सर्विस होके आई, कोई आपको कमी लगी हो? नहीं, उनकी हॉस्पिटैलिटी में सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया हुआ था, मतलब लग रहा था कि हाँ। अच्छा, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि पहले से काफ़ी इम्प्रूव कर रही है अपनी सर्विस पे भी एंड अपनी गाड़ियों पे, तो आप देख ही सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, लगता नहीं है कि आप एक इंडियन ब्रांड की गाड़ी में अंदर बैठे हो, बिल्कुल भी ऐसा कुछ फील नहीं होता, तो वो एक अच्छी चीज़ है।
तो फाइनली करण भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको 28 लाख रुपए में आपने खरीदी, तो ये गाड़ी वर्थ इट लगी कि नहीं लगी? बिल्कुल वर्थ इट लगी। लगी मतलब अभी तक कोई दुख इस गाड़ी को लेके? ना, वही जो आपसे शेयर किए दो चीजें। एक चीज और है इसकी, थोड़ी क्या गियर शिफ्टिंग स्लो लगी मुझे। गियर शिफ्टिंग जैसे मेरे पास XUV700 भी है। हाँ हाँ हाँ। तो उसका तो 0-16 5 सेकंड्स है। अच्छा, वो टर्बो चार्ज है। हाँ, तो इसमें टर्बो चार्ज नहीं आता? नहीं है, दोनों 2200cc है। बिल्कुल, एमहॉक है। इसका तो गियर शिफ्टिंग स्लो है, तो कभी थोड़ी स्लो है, मतलब एक तरह से नेगेटिव लगा। वर्थ इट तो है ही, वर्थ इट तो है गाड़ी। वो एक चीज है कि यार वो चीज ठीक है। तो आप XUV700 ऑन करते हो, जो ऑन नहीं करते उनको ये ज्यादा अच्छी लग रही है, मतलब उनको उनको गियर शिफ्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, जैसे आपको अगर तो घर में कंपैरिजन हो गया ना। बिल्कुल 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 सही बात है। तो अगर मैं पूछूं, अगर आपने मुझे स्टार्टिंग में बोला कि फॉर्च्यूनर पे आप शिफ्ट मतलब लेने की सोच रहे हो अभी, तो फॉर्च्यूनर क्योंकि इसकी हर एक चीज ये पूरी कर रही है आपकी गाड़ी, और आप ऑलरेडी एक स्कॉर्पियो एन के ऑनर हो, इसकी लेंथ इसकी शायद कम है, विड्थ भी ज़्यादा है और हाइट भी ज़्यादा है फॉर्च्यूनर से, और इसका सेटिंग जो पोस्चर है वो भी आई थिंक बराबर ही है, ऊंचाई है। हाँ, ऊंचाई है। तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि फॉर्च्यूनर गियर शिफ्टिंग की वजह से? गियर शिफ्टिंग की वजह से। हाँ, वो पिकअप इसका थोड़ा सा ना बाद में अच्छा हुआ मुझे कि हाँ पिकअप, मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली थी। अच्छा, और ऐसी बुक करा दी? हाँ, टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी, बस गाड़ी ना एक्चुअली बस मैं ना जा रहा था तो मैंने किसी की टेम्पररी नंबर देखा। हाँ हाँ हाँ, गाड़ी तो अच्छी लग रही है। फिर आपने जाती बुक करा दी? तो मैंने जाती बुक करा, मेरा गाड़ी अच्छी है, वो भी ब्लैक कलर था, सेम मॉडल। हाँ। टॉप मॉडल ही था। हाँ। चलो बढ़िया, ऑलरेडी आपको पॉजिटिव नेगेटिव इस गाड़ी के बारे में पता लग गए होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके करण भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। करण भाई ऐसे बाय।